लाखों करोड़ों साल बाद हम निकले हैं घर से बाहर, घूमने नहीं निकला हूँ, नहीं तो बोलोगे घूम रहे हो कोरोना वायरस में। और साथ में ये भी है हमारी राम प्यारी, जिसको आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। आज इसको वॉश किया हूँ, बहुत गंदी हो गई थी यार, लॉकडाउन से बाहर नहीं निकाला था और उतना अच्छे से वॉश नहीं किया, बस थोड़ा पानी डाल दिया और कवर हटाया इसका। मैंने देखा कि यार कवर होने के बाद भी धूल अंदर से जम गई थी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयूर शर्मा राइडिंग। आज का व्लॉग ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है, मतलब जैसा जो ये सीरीज़ में मैं ला रहा हूँ, हर दिन कुछ अच्छा टॉपिक ढूंढता हूँ। मैंने एक डायरी बनाई है जिसमें आपके लिए मैंने सारे टॉपिक लिख रखे, तो देखता हूँ कुछ अच्छा टॉपिक लगा तो उस पर बात करेंगे, कुछ अच्छा मोटिवेशनल या फिर टिप्स से रिलेटेड। अदरवाइज़ नॉर्मल जो ब्लॉग्स आते हैं मेरे वैसे ही रहेगा, ठीक है? तो घर पर मिलता हूँ बाद में। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, घर के पास में ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल टॉपअप कराता हूँ। एयर टॉपअप कराना है क्योंकि इमरजेंसी के लिए बाइक को तैयार रखना पड़ता है। वैसे आप लोग इसको भूल गए थे क्या, कमेंट सेक्शन में बताना। धन्नो को दिखा रहा था रामप्यारी, बहुत दिनों से नहीं आई थी ब्लॉग में, तो आज आ गई, तो यार एक लाइक बनता है। और आप, आज ही मैंने एक स्टोरी डाली है, इसको मैं वॉश कर रहा था उसकी, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना, इंस्टाग्राम में स्टोरी डालते रहता हूँ बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। तो चलो चलते हैं पेट्रोल पंप पर, काम करा लेते हैं। और सॉरी यार हेलमेट नहीं पहना क्योंकि बहुत इमरजेंसी है, पास में ही जा रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो शाम के अभी बज रहे हैं लगभग 5:30 और जो सुबह का काम था वो हो चुका है। उसके बाद मैंने अपना डेली रूटीन जो भी है आराम किया। और अब बात करते हैं यार इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें ये चीज़ बहुत काम आएगी आप लोगों के, तो ये ज़रूर करना है ये काम भी। जैसे मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करी आप लोगों से, वैसी ये भी करना है आपको, और मेरा ये वीडियो पूरा देखना इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आज पैशन के बारे में। देखो पैशन को पता करना उतना आसान नहीं होता है, तो मैंने कुछ सिंपल स्टेप्स बताई है, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उससे आप पता कर सकते हो। क्योंकि पहले तो पैशन को पता करना ज़रूरी है कि क्या पैशन होता है, आप में पैशन है कि नहीं, वो भी अपने आप से आपको पूछना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, लिख लेना हो सके तो, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे चेक करते हैं आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जो मेरा टाइटल होता है वीडियो का, उसको फ़ोन को, मतलब आपको ऐसे नहीं पकड़ना है जैसे अभी वीडियो चल रही है, ये लैंडस्केप मोड हो गया, पोर्ट्रेट मोड में पकड़ना ऐसे। टाइटल जो होता है उसको क्लिक करना, और टाइटल को जैसे ही क्लिक करोगे जो टाइटल नीचे दिखता है वहाँ पर साइड में एक एरो होता है, वो एरो ऐसा रहता है तो ऐसा डाउन हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वीडियो के बारे में, इसके अलावा मेरी सोशल मीडिया लिंक्स होती है जिनको आप फॉलो कर सकते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, और अभी स्नैपचैट भी मैंने चालू कर दिया हूँ, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल की लिंक वहाँ दे सकता हूँ। इसके अलावा देखते रहेंगे आगे नए नए क्या क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं, गॉड नोज। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स होती है, जैसे मुझे कुछ अगर प्रोडक्ट को बेचना है, किसी कंपनी का स्पॉन्सर आता है तो वो भी रह सकता है उसमें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो। तो मेरी ऑडियंस के लिए फर्स्ट पॉइंट मैं पेश करता हूँ, यू योर सेल्फ। जी हाँ, अपने आप से ये पूछो यार कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारी हॉबी क्या है। इंसान का सबसे अच्छा साथी वो खुद होता है, अपने आप से पूछो, हो सके तो मिरर में देखो या फिर मोबाइल के सेल्फी कैमरा में देखो और अपने आप से बात करो, एक वीडियो रिकॉर्ड करो छोटा सा, किसी के सामने उसको पब्लिश मत करो, बस अपने आप से पूछो कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ दूसरों से, ठीक है? हो सकते हो आप 100-200 लोगों में ऐसे अनोखे हो जो दूसरों को नहीं पता है, तो खुद को तो पता रहता है यार कि इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या में है। खुद अभी लॉकडाउन है, सब लोग फ्री हैं, ये एक्टिविटी करो घर में, एक पेज पर लिख कर देखो, लिस्ट बनाओ, ड्राइंग अच्छी लगती है, डांस अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है खुद से पूछो, अपने दिल को जो अच्छा लगता है वही होता है हॉबी, इंटरेस्ट, और उसके बाद शुरू होता है पैशन। तो पैशन की कहानी एकदम से स्टार्ट नहीं होती। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स एंड फैमिली। जी हाँ, फ्रेंड्स को पता रहता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, वो बार बार आपको बताएंगे कि यार तू तो अच्छा गाना गाता है, तू ड्राइंग अच्छी कर लेता है। कई बार हम खुद को नहीं पहचान पाते, दूसरे हमको पहचान लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये नोटिस करना होगा। फैमिली में मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, वो लोग आपको गाइड करते हैं, वो आपको नोटिस करते हैं, वो आप में इंटरेस्ट लेते हैं, आप क्या करते हो हरकतें दिन में, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। कितना अच्छा तरीका बताया मैंने, है ना? लाइक ठोको अभी के अभी। दो पॉइंट हो गए, फर्स्ट था आस्क योर सेल्फ, मतलब कि यू योर सेल्फ, सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे हेल्प कहाँ से मिली ये मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे वीडियो के एंड में भी बताऊँगा। रिलेटिव लोगों से मत पूछना, क्योंकि रिलेटिव्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है बताएंगे, और बहुत कम चांसेस है कि आपकी ग्रोथ में, आपके प्रोग्रेस में उनको इंटरेस्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ केसेस में तो होता है, जैसे कि रिलेटिव्स कभी कभी आपके मम्मी पापा के पास आपकी बुराई भी कर देते हैं, तो नॉट श्योर, तो हो सके तो उधर ट्राई मत करो। बट आपको लगता है यार कि अच्छे हैं रिलेटिव्स, तो ट्राई कर सकते हो, हर घर में ऐसा होता है थोड़ा,
मिक्स रिएक्शन मिलेंगे, आपकी बुराई होती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कोई इंसिडेंट या कोई इवेंट। हो सकता है आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो और उसमें आपका नंबर फर्स्ट आ गया हो और आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, जैसे ड्राइंग कंपटीशन होते हैं स्कूलों में या कहीं और, तो ऐसे से भी अपना पैशन पता चल सकता है। ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर आप में कोई हॉबी है तो, हॉबी नहीं है तो आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे। तो पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए, तभी तो आप ऑलराउंडर बनोगे। फोर्थ नंबर का पॉइंट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, फेसबुक वगैरह जितने भी आप जानते हो, उस पर आप अपने आप को प्रमोट करो, अपने काम को दिखाओ। ज़रूरी नहीं आपका चेहरा दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसे मेरे जैसा काम कर रहे हो तो बात अलग है, बट अगर मेरे जैसा काम नहीं कर रहे हो तो यार कोई ज़रूरत नहीं है चेहरा दिखाने की। अगर आप ड्राइंग करते हो तो उसमें चेहरे का क्या काम। तो समझ सकते हो आप लोग, उसको प्रमोट करो, हो सकता है उसमें ग्रोथ मिल जाए। दूसरा, उससे आपको आपका काम फेमस हो जाएगा। और बाद में आता है पैशन, इसकी हेल्प से, हॉबी इंटरेस्ट से आप पैशन की तरफ आगे बढ़ोगे। अब आप लोगों को ये भी पता चल गया कि आपका पैशन क्या है, क्योंकि जो आपका हॉबी इंटरेस्ट था उसको आप थोड़ा सीरियसली लेने लगे तो वो पैशन बन गया। अब फिफ्थ नंबर का पॉइंट है कि अपने पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदले। आपको फिर आगे उसको बड़े लेवल पर लेकर जाना होगा। जैसे मैं अभी यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, आज मुझे 1000 लोग जानते हैं, कल 10,000 जानेंगे, फिर और बढ़ेगा धीरे धीरे, तो वो बन जाएगा प्रोफेशन, क्योंकि बाद में अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें बाद में आपके करियर के रूप में भी डेवलप हो सकती है, मतलब आपका एक साइड हसल, साइड स्ट्रगल भी हो सकता है। जैसे मेनली मैं जॉब में हूँ और भी दूसरे काम करता हूँ, तो वहाँ से जो अर्निंग हो रही है वो मेरा मेन हुआ। अब यहाँ से साइड में जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे इंटरेस्ट, हॉबी से और मेरे पैशन से जो अर्निंग होगी उसको बोलेंगे अपन पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना। तो इसमें मज़ा भी आता है। बोलते हैं ना कि अगर आपको जो अच्छा लगता है वो काम से आप पैसे कमाओगे तो आप एक भी दिन काम नहीं करोगे, ऐसी कहावत है। मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है वो मेहनत नहीं होती। जैसे मैं अभी YouTube वीडियोस बना रहा हूँ, थोड़ी मेहनत है बट मज़ा आता है इसलिए कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे बोरिंग लगेगा तो वीडियोस नहीं आएगी, है ना। तो वो कैसे पता चलता है कि मुझे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आप लोगों के इंटरेस्ट से। आप लाइक, शेयर, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करते रहोगे, ऐसे मुझे मोटिवेट करते रहोगे तो ये काम और बढ़ेगा। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चला कि मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, संडे कमेंट बॉक्स, 2-3 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था, जाओ जल्दी देखो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है। मेरे पुराने वीडियोज़ देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली उस समय क्या हुआ था कि व्हाट्सअप में फ़ीचर आया था स्टोरी का और फेसबुक में भी आया था, तो मैं क्या करता था अपने वीडियोज़ वहाँ पर डालता था। फिर मुझे YouTube मिला तो मैंने YouTube पे डालना शुरू कर दिया। बाकी बातें उस वीडियो में बताई है मैंने, क्वेश्चन पूछा गया था एक डिटेल में तो मैंने डिटेल में आंसर बताया, जाओ वो वीडियो देखो। और हाँ, और एक संडे कमेंट बॉक्स चाहिए तो कमेंट करो, कम्युनिटी टैब में भी जाकर वहाँ पर कमेंट कर दो, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर दो तो मैं और एक कमेंट बॉक्स लाऊंगा अगर आपके क्वेश्चंस है तो। आप ऐसा ज़रूरी नहीं YouTube के बारे में बात करो मेरे से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सजेशंस भी दे सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मज़ा आएगा और लॉकडाउन का सही इस्तेमाल हो जाएगा। तो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है, मत पूछो कैसी है, कमेंट करके बताओ कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है, वो क्या बनेगा फ्यूचर में, क्या वो पैशन बनेगा, क्या वो प्रोफेशन बनेगा। लिख दो यार, थोड़ा सा मन को हल्का करो, मुझे भी पढ़ने में मज़ा आता है। कमेंट करो नीचे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो नए हो तो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल एंड जय हिंद।